नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल, 9 लाख रुपए की ड्रग मनी की बरामद। सीएए स्टाफ जलंधर की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू। 1 किलो हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस की ओर से लगातार ही गुंडा तत्वों और गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते अमृतसर देहात पुलिस ने जंडियाला गुरु में से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP अमृतसर देहात पुलिस स्वपन शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से 1.5 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल, 9 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं इस गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों की ओर से पुलिस पार्टी पर गोलियां भी चलाई गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर हत्या के 3 मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रात नूं जंडियाले दे एरिया च एक वारदात हुई सीगी। इनफॉर्मेशन दे बेस ते गड्डी दा पिछा किता गया सीगा ते 12-13 किलोमीटर हॉट चेस चली, गड्डी नूं घेरिया गया, पुलिस पार्टी ते फायरिंग हुई, जवाबी भी फायरिंग हुई। बाई चांस उन्हों का जोड़ा असला सीगा वो रोक लग गई, ब्लॉक हो गया। इस करके बंदे जोड़े फड़े गए, एक वेपन बरामद होया सीगा उन्होंने तो 2 किलो के करीब हेरोइन। इन्हों विचों दोनों चो एक का नाँ सीगा गुरबेज बाबा तो दूजे का शमशेर। ये मैं पहले शेयर कर चुका तब तो 12 परचे इन पर दर्ज सीगे। इन ही एक फॉलोअप एक्शन होया है, जिस विच 3 थाणियां दी फोर्स सीगी, साडा स्पेशल सेल सीगा, क्राइम ब्रांच सीगी। फॉलोअप एक्शन च 6 बंदे जग्गू भगवानपुरी ग्रुप दे गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 10 दिनां च इट वॉज़ अ वेरी फोकस्ड ऑपरेशन चलिया। 3 तां इन्हां चों शूटर हैं जिन्हां ते 16 तो ज़्यादा परचे दर्ज हैं। 3 जिहड़े हैं वह ड्रग समगलर हैं वड्डे पद्धर दे, जिहड़े दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इन इलाके तो ड्रग लांदे भी हैं ते उत्थे सप्लाई भी करदे। सीआईए स्टाफ जलंधर ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि सीआईए स्टाफ 1 की पुलिस के SI अशोक कुमार की अगुवाई में विकासपुरी मोहल्ले से दुआबा चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मेन रोड से कुछ दूरी पर नाकाबंदी कर जांच शुरू की। इस दौरान मेन रोड से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर कुछ चीजें छिपाते हुए एकदम पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस पार्टी ने तुरंत काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान गगनदीप सिंह निवासी गाँव गंगसर जैतों जिला फरीदकोट के तौर पर हुई है। जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने थाना डिवीजन नंबर 8 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंचार्ज सीआईए 1 अशोक कुमार वालों 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ये हेरोइन गगनदीप सिंह तो बरामद की गई है, जो कि फरीदकोट का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहला भी एक मुकदमा होशियारपुर के दर्ज है और इसनू कल रात 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी तो बाद होर भी कुछ खुलासे होने की संभावना है और पता लाया जाएगा कि यह हीरोइन कितों लिया और इसे कि लिंक है, अगे कितने कितने भेजा है। उम्मीद की जाती है कि इस तो बाद होर भी रिकवरीज होंगे। गत दिनों अमृतसर के गांव डडुआना में मसीही भाईचारे की ओर से अपना साप्ताहिक कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें उनकी ओर से मसीही बंदगी करके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ा जा रहा था।
इसी दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुछ निहंग सिंह जथेबंदियों के सिंघों ने वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम का विरोध किया और माहौल को तनावपूर्ण होता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मसीही भाईचारे की ओर से लगाई गई कुर्सियों और स्टेज को निहंग सिंघों के द्वारा तोड़ दिया गया। उनका कहना था कि इस जगह पर जो मसीही भाईचारे का नेता है वह सबसे ज्यादा पाखंडवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थान के नजदीक गांव के लोगों का कहना है कि इस मसीही भाईचारे का नेता जबरदस्ती लोगों को धर्म बदलने के लिए उत्साहित करता है, जिस कारण वे यहां पहुंचे हैं और उक्त नेता द्वारा करवाए जा रहे समागम का विरोध करते हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी धर्म के नेता को माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरेक को हक है कि वे अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं करने दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जिला अमृतसर मईता रोड से जो कि अड्डा डड्डू आना है, इतने पिछले 6-7 महीनों तो एक अखौती प्रचारक जो कि अपने आप को ईसाईयत का प्रचारक कहता है, पर उसको ईसाई मत का उड़ाड़ा भी नहीं आता। तो इतों के जो साडे इलाके के भोले भाले लोग हैं, पहला तो अपने रिश्तेदार कट्ठे करके अपने रिश्तेदारों कट्ठे करके तो उन्होंने इन्हें सिखाया हों भी आई पखंडवाद करना, तो वह फिर भोले भाले लोगों ये गुमराह करके तो उन्होंने धर्म तब्दील करा। तो पिंड जदों के लोग भी नहीं चाहते, बीबिया भेज के उन्होंने घर परचे सटवा। सो सारे इलाके ने समुचिया निहंग सिंह जथेबंदियों ने इसका विरोध किया। अज तो 6 महीने पहला प्रशासन को कहा, प्रशासन ने अज सू विश्वास दवाया है कि ये जड़ा वा इतने पखंड का जोड़ा चला रहा ड्रामा ये नहीं चलेगा। तो मैं जिन्या भी पंजाब के जथेबंदियां सारिया अपील करूँगा कि जे अज आप तगड़े हो के अपने धर्म को अपने पंजाब को बचावे बचूगा, सो सारे रल मिल के अंबला मारीए। टेंट तो जगह ली हुई सी, इस जगह पर अपने चर्च लाते थे। एक पासे सिख जथेबंदियां सीगियां कि जिन्हां दे प्यो इन्हां दे विरोध में खड़िया हुई कि इस जगह पर असीं प्रचार नहीं होण देना, कुछ उन्होंने दीयां गल्लां सी जिहड़ियां कि साडे नाल शेयर कीतियां उन्होंने। उहदे मुताबक जिहड़ी कि जगह जिन्हां ने रेंट पर दित्ती हुई सी कुछ उन्होंने साडा डिस्कस होया, तो जिहड़े भी क्रिश्चन भाईचारे वालों भी असीं समझाया, कुछ उन्होंने भी साडी गल सुन के मन लिया। और जिहड़े सिख जथेबंदी दे बाबा जी मेजर सिंह जी सी आए, उन्हां नाल भी साडा विचार वटांदरा होया, तो उन्होंने भी जो गल उन्होंने कही विवाद शांतिपूर्वक हल हो गया। कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर और सांझ अंबाला की तरफ से पहला त्रिभाषीय मुशायरा रेड क्रॉस भवन लाजपत नगर में करवाया गया। कवियों के इस महाकुंभ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। वहीं जलंधर वासियों ने शायरों के कलाम का खूब आनंद उठाया और मुशायरे में जनाब यशनजीत सिंह साफिर ने अपनी शायरी के साथ इस महाकुंभ की धारा को आगे बढ़ाया। इस दौरान श्रोताओं की वाहवाही से सारा हॉल गूंज उठा। तो वहीं जौहर कानपुरी, हसन काग्यमी, अजम शाकिरी, शबीना अदीब, बिलाल सहारनपुरी, सुरजीत जज, त्रिलोचन लोची, डॉक्टर नवीन गुप्ता, मोहन मुतंजर और नाजिम नदीम फारूक ने कविताओं और शायरी से महफिल सजाई। इस अवसर पर प्रोफेसर सतीश चंद्र और प्रिंसिपल अनूप वत्स ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य ही उत्तर भारत की विरासत शायरी की परंपरा को जिंदा रखना और घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले नकोदर, अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर व सहारनपुर में आयोजन किए जा चुके हैं और भविष्य में भी आयोजनों का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि शायरी और कविताओं को जिंदा रखा जा सके। इस मौके पर श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के महासचिव दीपक बाली, प्रभाष पराशर, अनिल कुमार सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सरिता तिवारी, सतीश चंद्र, डॉक्टर नीरज पराशर, शाहजाद अली, प्रोफेसर शरद मनोचा, प्रोफेसर डॉक्टर कुणाल मेहता, हाजी आबिद हसन सलमानी एवं नासिर सलमानी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज जालंधर के लिए एक खास दिन है मुझे लगता है, क्योंकि ये जालंधर अदब का शहर है और इस अदब के शहर में लिटरेचर से, फाइन आर्ट से तकरीबन संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम बिल्कुल अलग है। एक हम राष्ट्रीय स्तर का एक मुशायरा आज करवा रहे हैं जिसमें 3-4 एनजीओज मिली हुई हैं, जिसमें पोइट्री जंक्शन है, सांझ लुधियाना है और प्रिंसिपल नंदलाल चैरिटेबल
ट्रस्ट है अम्बाला का, ये तीनों ने मिलकर एक साझा प्रयास करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर वो जलंधर में बुलाकर रेडक्रॉस भवन में एक मुशायरे का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, ये मुशायरे का जो थीम है बेसिकली उसको डेडिकेटेड है और इसमें प्यार मोहब्बत एकजुटता के जो संदेश है इस मुशायरे के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। और इस बात की बहुत खुशी है कि जलंधर की जनता ने इसको बहुत सराहाया, जलंधर के बहुत ही खुशगवार लोग और जलंधर के खुश तबीयत लोग इस मुशायरे का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और हमें बहुत उत्साह मिला है। आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम से जो उत्साह मिला उसको लेकर जलंधर के लिए इस तरह के और कार्यक्रम का आयोजन लगातार करते रहेंगे। एकता कनौजिया महासभा जालंधर छावनी पंजाब की ओर से भगवान सत्यनारायण जी की तीसरी वार्षिक कथा करवाई गई, जिसमें कनौजिया समाज के पंजाब और हरियाणा के लोग शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधान रॉबिन कनौजिया, चेयरमैन ओम प्रकाश कनौजिया, विक्की कनौजिया, सनी कनौजिया, अमित कनौजिया, राजू कनौजिया, सतीश कनौजिया, सीताराम कनौजिया, संजय कनौजिया, सागर कनौजिया सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सतविंदर सिंह मिंटू और पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा के परिवार की ओर से सेवा निभाई गई, जिसके पश्चात रात्रि कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पंथ प्रसिद्ध रागी व हजूरी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर इलाका विधायक परगट सिंह, आम आदमी पार्टी की राज्य सचिव राजविंदर कौर खेहरा और कैंट बोर्ड के पूर्व उप प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, जगदेव सिंह, जोगिंदर सिंह ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को गुरु घर का सिरोपा साहिब देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जसप्रीत सिंह, जितेंद्र चावला, मनप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, अवतार सिंह, सुखविंदर सिंह, जसपाल सिंह, रामलुभाया, कुलविंदर सिंह सहित असंख्य संगत मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। जलंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। पहले प्रकाश उत्सव दिया बहुत बहुत बधाइयां दिनिया के जो आज तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हजूरी दे विच जिहड़ा प्रकाश उत्सव मना रहे हो तुसी सारे बधाई दे पात्र हो। बहुत बहुत बधाई तुहानू सारिआं नूं भैया। उहदे विच आपां कोई घर दिया ग्रह प्रवेश करते हैं जो कोई ब्याह दिया खुशियां मनाने हैं जो कुछ भी सानू महाराज का वोट आसरा लेना जरूरी है कि आप उन्होंने लड़ लगीए। पहले तो खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि अज कीर्तन दरबार गुरुद्वारा सिंह सभा के अंदर सजा उन्हें साढ़े वे भैन जी ने आके महाराज का आशीर्वाद लिया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरद्वारा सिंह सभा जलंधर छावनी विखे 21 तरीक तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में जोड़े प्रोग्राम चलते पे सी, अज गुरु महाराज की अपार कृपा सद के निर्विघन समाप्त होए है। अज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा जोड़ा धूमधाम जलंधर छावनी में मनाया गया है। इस विच राजविंदर कौर जी ने भी आके दर्शन किए, महाराज के सरदार MLA प्रगट सिंह जी ने भी आके गुरु साहब के दर्शन किए। श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा के वर्तमान पटधर आचार्य श्रीमद धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की आज्ञानुवर्तनी प्रवर्तनी साध्वी अभय श्री जी महाराज की सुशिष्या पूज्य साध्वी कल्पज्ञा श्री जी महाराज आदि ठाणा 6 की पावन निश्रा में SAN जैन स्कूल दरेसी में श्री कल्प सूत्र जी तृतीया एवं चतुर्थ वांचनी के साथ साथ प्रभु वीर जन्म वांचन का मंगलमय कार्यक्रम बड़े उत्साह श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। श्री आदिनाथ जैन मंदिर संचालन एवं चातुर्मास समिति के संयोजन में पर्युषण पर्व के 5वें दिन माता त्रिशला जी के द्वारा रखे गए 14 दिव्य एवं शुभ स्वप्नों की बोलियों में प्रभु भक्तों ने बोलियां हासिल करने में बढ़ चढ़ कर उत्साह दिखाया और शुभ स्वप्नों को हासिल कर प्रभु वीर का आशीर्वाद प्राप्त किया।
श्री पालना जी बोली का लाभ धर्म प्रकाश, कोमल कुमार जैन, कुंतल जैन परिवार, ड्यूक इंडिया ने हासिल किया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण गिरी। पांच सौ पैंतालीस मन दो बार अभी जा रहे हैं, समय नहीं है, समय 45,000। हाँ जी, 41 वाले सावधान। कोई खास जिनको जब मैं 5 साल का था तो उनको परमात्मा की भक्ति और गुरु भक्ति के भजन कहते हुए उनको सुनता था, और कितने सुंदर राग से, कितने सुंदर भाव से वो गाते थे, और वो गुण आज भी परिवार में विद्यमान है। उसी परिवार में उन्हीं के वंशज, नाम ले रहा हूँ, लाला बंसी लाल लक्ष्मण दास जी मोही वाले परिवार। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें बीके जनकराज, बीके राजू भाई ने बताया कि इस शिविर में राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और यौगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर बीके रोहित, बीके सुरेंद्र अत्री, बीके नीतू बहन, बीके बलदेव, बीके राजकुमार, बीके सागर, बीके परमिंदर भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों देवी तालाब मंदिर के विच लगाई जाती है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि सब प्राणी नशे तो मुक्त हो जाए और परमात्मा को याद कर अपने बच्चों भी अच्छा धारना कराऊँ, तो परिवार सुखी परिवार बने। और ये प्रदर्शनी लगवाने वाले असी सारे प्रबंधकों का, जिन्होंने इजाजत दी है लगा की, उन्होंने सारे प्रबंधकों का धन्यवाद करते हैं, और सारे सरबत के भले का असी भला मांगते हैं। सारे सरबत के लोग भले रहन, सुखी रहन, शांत रहन। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में भजन गायक पप्पी चंचल एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्र मुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर व चंद्रमोहन ढींगरा और अशोक शीतल ने भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव साहनी, किरण कुमार, कृष्ण गोपाल मैपी, राजकुमार सहगल, राजेंद्र कपूर, ब्रिज प्रभाकर, गोवर्धन गोपी सहित माँ भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर रमन शर्मा, रमेश जालंधरी, अशोक शीतल, पंकज ठाकुर, दीपक ढींगरा, चंद्रमोहन ढींगरा, विनोद शर्मा, कपिल सहगल, राजकुमार, मास्टर हरिचंद, शुभम सहगल, महंत रमेश कुमार, नाजी अग्रवाल, सौरभ सेठ सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बरनाला नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रॉपर्टी एसोसिएशन कॉलोनाइजर्स डीलरों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा, लेकिन इस दौरान प्रशासन का कोई अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचा। विरोध को लेकर पदाधिकारी नरेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, शशि बंसल, सुरेंद्र बिट्टू, राजेश राजू ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से प्लॉटों और संपत्तियों की एनओसी बंद होने के कारण वे उस पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी पैसे नहीं दे रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की खराब नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के राजस्व से राजकोष को बड़ा बढ़ावा देने वाला व्यापारी आज सड़कों पर बैठने को विवश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से लगाई गई बेवजह की शर्तों के चलते पंजाब में प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लाखों डीलर सरकार के मनमाने फरमानों का विरोध करते हुए इसे वापस लेने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस मौके पर गौरव कुमार, विजय कल्याण, एमसी धर्म सिंह फौजी, गुरजिंदर सिंह सिद्धू, संजीव अरोड़ा, राजेश, भूपिंदर शर्मा, रुपिंदर आहलूवालिया मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। विजय, मसला पंजाब सरकार ने एक पॉलिसी लेके आंदी है प्रॉपर्टी दे कम्मा धंधा वास्ते, रिश्तियां वास्ते, एनओसीयां वास्ते एक पॉलिसी लेके आई है पंजाब सरकार। वो पॉलिसी इन्नी गुंझलदार है ते आम पब्लिक दे लई बहुत ही नुकसानदेह पॉलिसी है। और नुकसानदेह यह है जी, जिवें हुण कोई आपां प्लॉट है, आपां प्लॉट अपना पहला 10 विसवे सी, मान लो आपां उहदे विचों 5 विसवे बेचता, हुण असीं तुसीं दूजा 5 विसवे नहीं बेच सकते, ये एनओसी नहीं दे सकते, ये पॉलिसी दे विच है। दूजा जिवें हुण अपनियां कोठियां पुराणियां पईआं होईआं, आपां म्यूनसिपैलिटी तों नक्शा पास करा लिया, नक्शा पास करा के आपां कोठी पा ली, हुण उत्ते सीवरेज भी पै गया, वाटर सप्लाई पै गई, मीटर कनैक्शन भी लग गया, उत्थे मौत सर्टिफिकेट भी बन गया, उत्थे डैथ सर्टिफिकेट बन गया, पासपोर्ट भी बन गया, पर पॉलिसी की कहती है तो इतों की तहसीलदार मैडम की कहती है भी तुसी उस कोठी की रजिस्ट्री नहीं करा सकते। और अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर देहात पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल, 9 लाख रुपए की ड्रग मनी की बरामद।
सीएए स्टाफ जलंधर की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू, 1 किलो हेरोइन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।